इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक फ्लेमिंगो का पहला लेसन लेके आया हूँ और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेन पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और कल हमने जो फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई थी वीडियो लेक्चर, तो उसमें 10 क्वेश्चन आप सबके सामने डिस्कस हुए थे। और 10th क्वेश्चन था, आफ्टर नोटिंग द ड्रेस ऑफ द टीचर अमेल, व्हाट अनदर सरप्राइज वाज देयर इन द क्लास, जो क्लास में दूसरा सरप्राइज क्या मिला उसे। पहला सरप्राइज यही था। वैसे तो पहला सरप्राइज वहाँ से शुरू हो जाता है जब अनयूजुअल सीन देखा स्कूल में। एकदम कोई शोरगुल नहीं था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, हर चीज सेटल डाउन थी। क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए थे और आमतौर पे यूजुअल सीन में जो शोरगुल होता है वो गायब था। पहला एकदम सस्पेंस तो ये था उसके लिए, चौंकाने वाली बात, सरप्राइज जिसे कहते हैं। और सेकंड सरप्राइज जब था कि जब एम मेल जो टीचर थे उनको एक खास ड्रेस में देखा, जो ड्रेस वो खास मौक़ों पे अवसरों पे पहनते थे, या तो संडे हॉलीडेज वगैरह को पहनते थे या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो तो इस तरह से वो उन दिनों में पहनते थे। अब जैसे ही गर्दन घुमा के देखा, पीछे बेंचेस खाली जो रहते थे, आमतौर पे यूजुअली बेंच ऑक्यूपाइड नहीं होते थे, तो आज गांव वाले बैठे हुए हैं। तो एकदम चौंक गया कि आज गांव वाले क्या कर रहे हैं यहाँ के, उसे कुछ नहीं पता था अब तक। तो धीरे धीरे सारी बातें उसे क्लियर होने लगी कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या कुछ लिखा हुआ था और उसी की वजह से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। फ्रेंड्स को सब कुछ क्लियर हो गया था कि आज क्या होने वाला है, और कुछ तो खास है कि गांव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ आए हुए। और वो बात भी स्पष्ट होने लगी कि बुलेटिन बोर्ड पे जब वो स्कूल की तरफ आ रहा था तो उसने कुछ लोगों को देखा था वहाँ एकत्रित हुए, तो सोच रहा था कि आज क्या खास बात है, तो वो बात उसको क्लियर होने लगी। तो क्वेश्चन अब 11th पे चलते हैं हम, और 11th क्वेश्चन है, एज द टीचर बिगैन टू स्पीक, जैसे ही टीचर ने बोलना शुरू किया अपनी गंभीर आवाज में, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एकदम ये शब्द उसके कानों पे, फ्रेंड्स के कानों पे वज्रपात की तरह लगे, थंडर क्लैप वर्ड यूज किया गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, माई द वर्ड साउंडेड लाइक ए थंडर क्लैप टू फ्रेंड्स, वाई, ये शब्द फ्रेंड्स को थंडर क्लैप जैसे लगे, एकदम जैसे कोई बहुत आसमानी बिजली गिर जाती, सदमा लग जाता है, तो क्यों? आंसर इसका बिल्कुल पास ही है आपके, और पता ही है उसे कि आगे जैसे कहते हैं टीचर, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, 4th पेज के बीच में ही, व्हाइल आई वाज वंडरिंग, यहाँ से पैसेज हम पढ़ रहे हैं, टीचर ने शुरू किया था, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वहाँ से ऑर्डर आ गए हैं, टू रीच न्यू मास्टर कम्स टू टीच न्यू ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट कब्जे में आ गए जर्मन फोर्सेज के, तो वहाँ पे सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर आ चुके हैं। और द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, जो नया अध्यापक है वो कल आ रहे हैं आपको जर्मनी पढ़ाने के लिए, फ्रेंच पढ़ाने के लिए ये आखिरी लेसन है। तो ये शब्द उस पर एकदम सदमे की तरह लगे उसे। और आगे इसका आंसर में और कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, एज द टीचर मेंशन दैट इट वाज द लास्ट लेसन, जैसे ही टीचर ने मेंशन किया कि उसका ये आखिरी अंतिम लेसन होगा, तो द वर्ड्स फेल ऑन हिज ईयर्स लाइक थंडर क्लैप। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में से ही आप निकाल सकते हो, ही केम टू नो व्हाई द टीचर हैड व्हाई द पीपल हैड गैदर्ड एट द बुलेटिन बोर्ड, और ये भी उसे पता चल गया था कि बुलेटिन बोर्ड पे लोग एकत्रित क्यों हो गए थे। और ही वॉज इन अ टीजी होता है कन्फ्यूजन में, ही वॉज इन अटर कन्फ्यूजन,
एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट विल बिकम ऑफ हिम, कि उसका क्या बनेगा अब। इस बात का उसे एकदम अफसोस है कि अब तक वो स्कूल में सीरियसली आया तो सीरियसली पढ़ा नहीं, नॉन सीरियसली रहा, आया भी अपने आधे मन से और क्लास में भी आधे मन से बैठा, तो ये उसे अफसोस है कि वो अपनी ही भाषा को, अपनी ही मातृभाषा को सीख नहीं पाया। कन्फ्यूजन में था व्हाट विल बिकम ऑफ हिम एज ही डिडंट नो हिज मदर टंग प्रॉपरली, क्योंकि उसे मदर टंग अपनी उचित रूप से नहीं आती। और इसमें क्लू आप देख सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन 5 भी इस था इसमें, और क्वेश्चन 12th जो बनने वाला है वो यहाँ से, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ये चिंता थी उसे कि मैं लिख भी नहीं पाता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं फ्रेंच भाषा और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे यहीं सारा कुछ बंद हो जाएगा हमारा पढ़ना पढ़ाई करना। ओ हाउ वरी हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, उसे अफसोस हो रहा था कि अब तक उसने अपने लेसन सही तरीके से सुने क्यों नहीं और उनको फॉलो क्यों नहीं किया, लर्न क्यों नहीं किए। और इस बात पे भी अफसोस है कि जब भी वो क्लास में आता था या स्कूल की तरफ चलता था, उसके मन में और ख्याल आते थे कि चलो नदी के पास चले, वहाँ स्लाइडिंग करेंगे, सार एक रिवर है वहाँ पे, तो वहाँ से फिसलते हुए घास से फिसलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और इन्जॉय करेंगे, या फिर पेड़ों पर पे चढ़ेंगे, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनमें अंडे होते हैं उनको तलाशेंगे। बहुत सी बातें इस पैसेज में करते हैं। माई बुक्स दैट आई हैड सी दैट हैड सीम्ड सच ए नूसेंस ए वाइल अगो, और उसकी पुस्तकें जो उसके लिए बोझ लग रही थी अब तक, अब उसे अच्छी लगने लगी। और हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स खास के खासकर वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, एंड आई एम अमेज्ड टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो एम हमेल भी अच्छे लगने लगे उसे, जिसको वो क्रैंकी कहते थे, क्रैंक टाइप का व्यक्ति है, तो वो भी अच्छा लगने लगा। रूलर भी अच्छा लगने लगा, जो डंडे पड़ते थे वो भी अच्छे लगने लगे जिसका डर होता था। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 12th है, व्हाट इमीडिएट चेंज डिड अकर इन फ्रेंड्स, एकदम तुरंत उसमें बदलाव क्या आया। व्हेन ही केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन एंड ही वॉज अटेंडिंग इन द क्लास दैट डे। तो इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है, सीधा नहीं है, फिर भी आपको इसके हिंट्स यही मिलेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन यहाँ से पेज 4, और कुछ भी और भी वही बातें जो मैंने बताई। पार्सली ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द लेसन्स प्रॉपरली इन द क्लास और नॉट रिमेनिंग सीरियस इन हिज लेसन्स एंड थिंकिंग टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, हमेशा यही सोचता रहा कि स्कूल से दूर रहूं, स्कूल में ना जाऊं, बहाने बना के कोई ना कोई, इसका अफसोस था उसे। और सीकिंग बर्ड्स एग्स और ये काम करने जाता था, एक्टिविटीज करने, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर की ढलान पे स्लाइड करते थे वो। आमतौर पे बच्चे इंजॉय करते हैं एक्टिविटीज को। देन हिज बुक्स विच सीम्ड बर्डनसम अ लिटिल टाइम अगो, और जो पुस्तकें उसको बोझ लग रही थी कुछ समय पहले, अब लविंग प्रिय लगने लगी उसे। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हमेल होम ही थॉट क्रैंक, ही फॉरगॉट अबाउट हिज आयरन रूलर आल्सो। वही बातें यहीं से आप पैसे से आप उठा सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जब एग्जाम हो रिवाइज करके जाइए। 13th क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डिड फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन अबाउट द पार्टिसिपल्स। यही से शुरू हुआ था कि पार्टिसिपल्स उसको नहीं आते थे, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, इसी वजह से वो स्कूल जाने में इच्छुक नहीं था, वो डरा हुआ था, फिर चल पड़ा था स्कूल की तरफ वो। और इसका आपको आंसर मिलेगा 5th पेज पे 2nd पैरा। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite.
what would I not have given to be able to say that dreadful ruler, for the participles all through were very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up. यहाँ से आंसर बनता है, तो कैसे उसने हर चीज को मिक्सअप कर दिया, किस तरह रिस्पॉन्ड दिया टीचर की प्रश्न को, तो आप क्लू इसका देख सकते हो. आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरुआत में ही वो मिक्स कर गया सारी चीज़ें. एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, ऐसे बेंच पकड़ा हुआ और सिर नीचे की तरफ डाउन किया हुआ, जैसे कुछ बच्चे कर लेते हैं क्लास में. माई हार्ट बीटिंग, फ्रेंच कहता है कि उसका, यहाँ पे जब लिखोगे आई और ये माई, ये ही और हिज में चेंज होते रहेंगे, आप ये तो जानते ही. हिज हार्ट बीट वॉज बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, वह हौसला नहीं कर रहा था, करेज नहीं था उसमें, साहस नहीं था ऊपर मिस्टर फ्रेंच मिस्टर एम हमेल की तरफ देखने का. तो वही चीज़ें इसमें आपको आंसर में देनी है. As we know, he had not learnt his lesson properly, so he stood up and started speaking, but he mixed up everything in the very beginning, or he dared not face the teacher, face the eyes of the teacher, because he knew that he didn't know the answer. He stood holding onto the desk and his heart was beating. नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, व्हाट डिड द टीचर से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा उसने, काफ़ी अहम क्वेश्चन है. तो स्पेस मिल गई अब उसको, मिस्टर फ्रेंच मिस्टर एम हमेल फ्रेंच तो स्टूडेंट है, तो बहुत सी बातें कहीं उसने टीचर ने. एम हमेल टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल यही शब्द मिलेंगे आपको टेक्स्ट में. ही एडवाइज देम टू गार्ड इट एंड नेवर टू फॉरगेट, और सलाह दी कि इसको बचा के रखना और इसे गार्ड करके रखना, संभाल के रखना, सुरक्षा करनी इसकी. और लैंग्वेज के बारे में आपको पेज 5 के ऊपर ही देखना पड़ेगा. तो लैंग्वेज यहाँ पे, यस एंड पे देखो, 5 पेज. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये question आगे बन जाता है, important long भी बन सकता है. ये बताया कि language जब छिन जाती है किसी की, तो वो गुलाम हो जाते हैं, किसी और दुश्मन के गुलाम हो जाते हैं. तो अगर language भी छिन गई, तो समझ लो अपनी गुलामी से आज़ाद होने की चाबी जो थी उन पे, स्वतंत्रता प्राप्त करने की, वो खो दी है उन्हें. तो लैंग्वेज एक चाबी होती है जो उनको गुलामी से निजात दिलवा सकती है, स्वतंत्रता दिलवा सकती है उन्हें, क्योंकि वो एकत्रित हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं. भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको जोड़ के रखती है. आप ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब आप दूर दराज कहीं जाते हो, अगर आपकी भाषा बोलने वाला कहीं मिल जाए, तो आप उसके साथ एकदम इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हो. विदेशों में, कनाडा में अगर कोई पंजाबी मिलता है, तो पंजाबी के साथ कितना एकदम लिंक हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई सगा संबंधी वहाँ पे है. ऐसे ही आप साउथ में जाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले, तो वो क्योंकि हिंदी नॉर्थ इंडिया में अधिक बोली जाती है, तो वहाँ पे कम बोली जाती है, तो वो एक किनशिप महसूस करते हैं. तो अगर कोई कंट्री गुलाम हो जाता है, तो वहाँ की भाषा अगर बरकरार है, तो कभी ना कभी, क्योंकि वो एक मीडियम है लोगों को जोड़ने का आपस में, तो वो चाबी एक किस्म से उनकी जेब में होती है. तो इसको बचा के रखना होता है. मदर टंग कोई भी हो, अपनी जुबान सभी को अच्छी लगती है. तो ये क्वेश्चन अब था 15th.
और 16th क्वेश्चन आप बना सकते हो इसका, वो यही था। हाँ, पेरेंट्स के बारे में क्या कहा एम हमेल ने, और डांट क्या पिलाई उसको, किस प्रकार से पेरेंट्स जिम्मेवार होते हैं अपने बच्चों को की चिंता नहीं करते वो, कि क्या पढ़ के आए हैं, स्कूल में क्या कर रहे हैं। तो ये मैसेज यहीं बनता है 5th पेज पे ही। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी चिंतित नहीं हुए तुम्हारे बारे में कि तुम पढ़ लो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो प्रीफर करना अच्छा समझना, बेटर समझना, कि तुम्हें फार्म पे भेजना या फिर किसी काम करने के लिए कहीं और भेज देना, मिल में भेज देना, फैक्ट्री में भेज देना, ताकि 2 पैसे तुम कमा के आओ। इसलिए वो चिंता नहीं करते थे। पढ़ाई, एजुकेशन का मतलब उनके लिए महत्व नहीं है इस बात का। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। और फिर अपने आप को भी कोसता है वो, अपने आप को भी जिम्मेवार कहता है, करता है टीचर। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। मेरा भी कसूर है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कहा कभी कई बार क्या मैंने भी मतलब बताता है वो कि क्या मैं भी जिम्मेवार हूँ। मैंने भी तो आपको अपने बाग में फ्लावर बेड्स जो होते हैं, फूलों की क्यारियाँ होती हैं, उनमें पानी देने के लिए भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और कई बार मन हुआ कि फिशिंग करते हैं आज, चलो छुट्टी मारते हैं, और तुम्हें छुट्टी कर दी, तो ये काम मैंने भी तो किए हैं। अपने आप को भी जिम्मेवार कहता है। तो इस तरह से ये 15-16 क्वेश्चन बनते हैं। आप बताओ, बताइए कि कौन सा अनइम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप व्हाट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन केम। आप बढ़ा के इसको अपनी तरफ से ऐड करके लैंग्वेज इसमें वही चीज़ें बताओगे कि जैसे ही ऑर्डर आए बर्लिन से कि जर्मन भाषा सिखाई जाएगी और फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी, तो क्या क्या बदलाव आए। आप बिल्कुल वही कि स्कूल इस तरह लगा हुआ था जैसे संडे हॉलीडे को होता है, सन्नाटा था, उदासी का वातावरण था चारों तरफ। गांव वाले भी वहाँ पे एम हमेल को विदाई देने के लिए आए हुए थे, उसकी 40 इयर्स की जो सर्विस थी उसकी इज्जत में आए हुए थे, और अपने देश की, अपने जो राष्ट्र था फ्रांस का हिस्सा थे, 2 डिस्ट्रिक्ट अब जर्मन सैनिकों के अंडर आएंगे, जर्मन गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, तो उस पे अलविदा कहने के लिए कि जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है अपनी भाषा को अलविदा करने वो आए हुए थे। तो बहुत सी बातें हैं इसमें आप ऐड कर सकते हो। अ लॉट ऑफ चेंज अकर्ड आफ्टर द ऑर्डर्स हैड रीच्ड फ्रॉम बर्लिन। फ्रेंच वाज सरप्राइज टू नोटिस दैट ड्रास्टिक चेंज। मैं पढ़ देता हूँ आपको, आप नोट कर सकते हैं। यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट हासल एंड बसल इन द स्कूल। यहाँ थोड़ा कंपेयर कर सकते हो कि आमतौर पे कितनी रौनक होती थी, और इनवॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड लेसन रिपीटेड इन यूनिसन कुड बी हर्ड आउट इन दी स्ट्रीट। ये आमतौर पर होता था कि शोरगुल बाहर गलियों में भी जा रहा होता था। इट वॉज ए वेरी लाउड नॉइस इंडीड। एंड देर वॉज ऑल्सो द साउंड ऑफ दी टीचर्स बिग रूलर। टीचर का भी रूलर हिट करता हुआ टेबल पे, उसकी भी आवाज़ आती होती थी। बट फ्रेंड्स हर्ड्स नो नॉइस। उस दिन कुछ भी नहीं सुना। द क्लास वॉज ऑन एंड द टीचर वॉज देयर। टीचर वहीं था, क्लास चल रही थी। अ फ्यू एल्डरली मैन ऑफ द विलेज हैड ऑल्सो ऑक्यूपाइड द लास्ट बेंचेस। एम हमेल द टीचर वॉज साइलेंट एंड सोम्बर। उदास था, चुप बैठा हुआ था। और ही वोर हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे। द टीचर डिडंट स्कोल्ड फ्रेंच। ये भी नई बात थी, उसको डांटा नहीं है जब वो लेट एंटर हुआ। वैन ऑन एंट्रिंग लेट इन द क्लास रादर ही वॉज पोलाइट विद हिम। पोलाइट था, विनम्र था उसके साथ। वैन फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन ही फेल्ट शॉक्ड। और जब फ्रेंच को पता चला कि ये उसका आखिरी अंतिम लेसन है, तो वो चौंका था, शॉक हुआ था, सदमा लगा उसे। द बुक्स सीम्ड डियर टू हिम ऑल ऑफ ए सडन। पुस्तकें प्यारी लगने लगी। लिसन टू दी टीचर विद फुल अटेंशन। पूरे अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ सुना। ही फेल्ट सॉरी फॉर द टीचर इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स।
अफसोस भी हुआ अपने दिली दिल में. द विलेज एल्डर्स हैड कम टू पे रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री दैट वुड नॉट देयर्स नाउ. देश को रिस्पेक्ट देने आए थे. दे हैड आल्सो कम टू पे रिस्पेक्ट टू एम हमेल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस. तो इस तरह से आप ये तैयार कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन है, वट डिड द टीचर से अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल इन जनरल अबाउट टास्क एंड वट डिड ही से अबाउट फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ. तो जनरल टेंडेंसी माँ बाप की, यही ये जो पैसेज पांचवें पेज पे हमने पढ़ा था अभी, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ. इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड करके आप कि किस तरह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते कि वो स्कूल में कब आए, कब गए, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता होता, और कभी ये नहीं पूछते आज होमवर्क क्या मिला, टीचर ने क्या पढ़ाया आपको. वो सारी बातें आपको ध्यान से सुन रखनी चाहिए पेरेंट्स को. तो फ्रेंड्स के पेरेंट्स के बारे में भी, किस तरह से वो उसको मिल में भेज देते थे या फिर कहीं और फार्म पे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए भेजते थे, और बहुत सी बातें इसमें जनरल आप लोगे. जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ. द टीचर टॉक्ड ऑन द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल एंड द स्टूडेंट्स हु यूजफुली पुट ऑफ देयर वर्क. और स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे बात कमी होती है कि वो टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. ये बात ये कही थी एम हमेल ने भी उन्हें कि बहुत टाइम है हमारे पास. तो इस तरह का वाह, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, ये शब्द यूज किए थे. सी एम हमेल सार्कास्म इन द लाइन्स. और एम हमेल का जो व्यंग था, तीखापन, आप इन लाइन्स में देख सकते हैं. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन मानते हो, फ्रांसीसी मानते हो, और आपको फ्रांसीसी लिखनी नहीं आती भाषा, और ना पढ़नी आती है. काहे कि आप अपने आप पे गुरूर करते हो, पेट्रियोटिक मानते हो, देशभक्त मानते हो अपने आप को. बट द हैबिट इज डेवास्टेटिंग. और ये जो हैबिट है टालने वाली, पुट ऑफ करने वाली, कि कल कर लेंगे, ये काफ़ी नुकसानदेह होती है, डेंजरस होती है. दैट्स द रीज़न वाई दे वर अनेबल टू स्पीक एंड राइट देयर मदर टंग. यही कारण था कि वो अपनी मदर टंग को ना तो बोल पा रहे थे ठीक ठीक तरह, ना प्रॉपरली समझते थे लिखना. He blamed friends' parents for not being serious about the studies. His studies, they often sent him for doing some laboring work in the sawmill or elsewhere to make some money. He also blames himself, अपने आप को ब्लेम करता है एम हमेल, for sending the students for watering his flowers. Or sometimes he gave them holiday if he wished to go for fishing. तो इस तरह से ये लेसन ख़त्म हो जाता है. और ये कुछ बोर्ड्स में, जैसे हरियाणा बोर्ड है या कोई और बोर्ड, तो उसमें पैसेज पर कॉम्प्रिहेंशन प्रोज लेसन्स के इनके भी आते हैं. और यही पैसेज जो क्वेश्चंस वाले थे, आप इनको इसी तरह रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, तो उनको पैसेजेस को आप कर पाओगे. तो ये इसके साथ ही ये पूरा लेसन हमारा ख़त्म हो जाता है. और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ आई होंगी. क्वेश्चन आंसर, हालांकि आपको विजुअल कुछ नहीं मिला इसमें, आप सुन सुन के भी इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो नेक्स्ट लेसन लेके मैं शीघ्र आऊँगा. टिल देन हैव ए नाइस डे. थैंक यू ऑल.